नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णाकांत आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, यहाँ यदि आप पर्स लेते हैं तो वो आपका बीए हो या आपका बीएससी हो या आपका बीकॉम हो या आपका बीबीए हो या आपका बीसीए हो। यहाँ यदि आप ये वीडियो देख लेते हैं तो यहाँ से 2 से 3 मार्क्स आपके क्लियर हो जाएंगे, 2 से 3 मार्क्स आपके क्लियर हो जाएंगे। एक तरीके से ये हमारा एक डेमो वीडियो भी है जो आप लोग डिमांड कर रहे थे कि आप जो अपना पेड कोर्स है, पेड कोर्स में आप कैसे पढ़ाते हैं, क्या आपका कंटेंट होता है, तो आप यहाँ पे कंटेंट दे सकते हैं। किन्हीं को डिटेल में पढ़ना है, पेड कोर्स लेना है, तो हमारा इस नंबर 7370840504 पे 350 रुपया पेड करके मैसेज आपको भेजना है 9110929641। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर हुआ, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर हुआ, यहाँ पे आप भेज सकते हैं पेमेंट का स्क्रीनशॉट। हम आपको क्या करेंगे, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे और आप वहाँ से अच्छे से क्लासेस प्रॉपर वे में कर सकती है। यहाँ पे हम आज बात करेंगे पटना यूनिवर्सिटी 2022 के क्वेश्चंस के बारे में। स्टैटिक जीके है भाई कृष्णाकांत सिंह, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, टू रीच माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति क्या नाम है? एडमंड हेलरी, एडमंड हेलरी हेलरी और शेरपा शेरपा तेंजिंग तेंजिंग। एडमंड हेलरी और शेरपा तेंजिंग कहाँ कब पहुंचे थे? तो ये 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? हमारा माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट जो दुनिया का सबसे ऊंची चोटी है, जिसका 8,848 मीटर ऊंचाई है, और कहीं कहीं डाटा में 8,850 मीटर भी देखने को मिलेगा। तो इन दोनों में आपका जो रहेगा वो आप ठीक कर दीजिएगा। तो यही है एडमंड हेलरी। शेरपा तेंजिंग कहाँ थे? तो शेरपा तेंजिंग भारत के थे। शेरपा तेंजिंग कहाँ के थे? तो भारत के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट फर्स्ट सैटेलाइट इन स्पेस, प्रथम अंतरिक्ष में प्रथम अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष में प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1 कब हुआ था? तो 4 अक्टूबर 4 अक्टूबर 1957 ईस्वी के। स्पुतनिक 1 4 अक्टूबर 1957 फर्स्ट सैटेलाइट, प्रथम अंतरिक्ष यान कहाँ है? ये देखिए, यही स्पुतनिक 1 है, जो प्रथम सैटेलाइट था वही है। कहाँ है, किसके द्वारा? तो ये सोवियत यूनियन के द्वारा। यहाँ पर एक किसके द्वारा छोड़ा गया था, तो ऐसे करके यहाँ पे लिख दीजिएगा आप लोग, सोवियत यूनियन लिखते जाइएगा, सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन के द्वारा आपके यहाँ पे छोड़ा गया था 4 अक्टूबर 1957 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एटम बम, प्रथम परमाणु बम, प्रथम प्रथम परमाणु बम, प्रथम परमाणु बम, प्रथम परमाणु परमाणु बम कौन था? तो लिटिल बॉय, नाम क्या था? लिटिल लिटिल बॉय। कहाँ पे गिराया गया था प्रथम परमाणु बम को, कहाँ पे गिराया गया था? तो लिखिए हिरोशिमा, हिरोशिमा पे गिराया गया था, हिरोशिमा पे। कब गिराया गया था? तो 1945 को गिराया गया था, 6 अगस्त 1945। हिरोशिमा कहाँ है? तो हिरोशिमा जापान में है, जापान। इसकी राजधानी क्या है? टोकियो। जापान की राजधानी टोकियो। 9 अगस्त, तो उसके बाद 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे आपका गिराया गया था, उसका नाम था फैटमैन। यही देखिए आपका लिटिल बॉय है, यही गिराया गया था। तो ये क्या था, लिटिल बॉय क्या था? एक कोड नेम था, कोड नेम था। कब गिराया गया था? तो दूसरे वर्ल्ड वार के दौरान। कब गिराया गया था? तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये दूसरे वर्ल्ड वार के दौरान गिराया गया था। ये फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन, फर्स्ट न्यूक्लियर प्रथम परमाणु बम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्री टू बैन प्लास्टिक बैग, प्रथम कंट्री जिसने प्लास्टिक को बैन किया, बांग्लादेश 2002 ईस्वी में, बांग्लादेश 2002 ईस्वी में। तो
तो देखिए बांग्लादेश, यही है बांग्लादेश की, आप देख सकते हैं ये बांग्लादेश का है। बांग्लादेश की हम लोग बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। पॉपुलेशन, जनसंख्या कितनी है? 6.47 करोड़, मतलब 16.47 करोड़ क्या जनसंख्या। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। प्राइम मिनिस्टर का प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। तो एक क्वेश्चन के साथ हम आपको 3-4 क्वेश्चन करवा रहे हैं कि आपको कैसा भी क्वेश्चन आए तो आप कर सकें। प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री, प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री मतलब साइंटिस्ट, अंतरिक्ष यात्री मतलब साइंस वैज्ञानिक जो गई है अंतरिक्ष में, प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री वेलेंटिना तेरेस्कोवा। वेलेंटिना लिख लिए, वेलेंटिना तेरेस्कोवा, तेरेस्कोवा कब? 16 जून 1963 को। कहाँ की थी? रसिया की थी। ये कहाँ की थी? रसिया की। वेलेंटिना तेरेस्कोवा कहाँ की? यही है, ये 16 जून 1963 को वो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रथम महिला माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली, प्रथम महिला माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम महिला, वोमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, मिस्टर जुंको तवई, जापान की। जुंको तवई जापान की कब? 16 मई 1975 ईस्वी के। ये महिला थी जुंको, फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, प्रथम महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, क्या थी? जुंको तवई जापान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम स्पेस शटल, अंतरिक्ष में स्पेस शटल टू गो टू द स्पेस, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम स्पेस शटल क्या नाम था? कोलंबिया। कोलंबिया कब गया था? 16 जनवरी 2003 को। यही कोलंबिया स्पेस शटल है, शटल टू गो टू द स्पेस कोलंबिया, 16 जनवरी 2003 को। तो अब ये कहाँ से छोड़ा गया था? तो ये यूएसए। कोलंबिया कहाँ है? तो यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें तो इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे देख सकते हैं, राजधानी कहाँ है? तो आपका वाशिंगटन डीसी है। प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडन है। पॉपुलेशन कितना है? 32.95 करोड़। और करेंसी मुद्रा क्या क्या नाम है? डॉलर है। पॉपुलेशन कितना है? 32.95 करोड़। 32.95 करोड़ यहाँ का पॉपुलेशन है। इसके साथ यूनाइटेड स्टेट डॉलर, यूनाइटेड स्टेट डॉलर, अमेरिकी डॉलर यहाँ की मुद्रा है, जैसे भारत का बैंक है। नेक्स्ट, प्रथम यात्री, प्रथम आदमी, प्रथम मनुष्य जो चंद्रमा पर पैर रखा, तो नील आर्मस्ट्रांग, यहाँ पे आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग। उनके पीछे एडविन एल्ड्रीन, एडविन एल्ड्रीन कब? तो 1969 ईस्वी में, 1969 प्रथम यात्री जो चांद पर पैर रखा था, नील आर्मस्ट्रांग फॉलोड बाय एडविन एल्ड्रीन। हमारी जो कोर्सेज चल रही है वो हमारी क्लासेस गूगल मीट पे 7 से 8 चलती है, इसी टाइप से चलती है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं वैसे ही वहां पे और समझा समझा के बताया जाएगा। यही देखिए पहली बार चंद्रमा पर पैर रखे थे, तो यहाँ देखिए नील एल्डेन आर्मस्ट्रांग अगस्त इतना से इतना, मतलब ये इनका डेट ऑफ बर्थ है 5 अगस्त 1930, डेट ऑफ डेथ 25 अगस्त 2012। बाज है अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, अमेरिकन वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो अमेरिकन वैज्ञानिक। नेक्स्ट, कंट्री टू होस्ट द मॉडर्न ओलंपिक, कंट्री टू होस्ट द मॉडर्न ओलंपिक को कौन से कंट्री ने होस्ट किया? तो आंसर हो जाएगा ग्रीस। कब? 1896 ग्रीस 1896 में किया, ठीक है, ये ओलंपिक। अब ओलंपिक से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि ये जो ये गोल गोल चक्री है, ये पांचों चक्री है, उसमें क्या क्या है? तो ये नीला जो है यूरोप को करता है, पीला जो है एशिया को करता है, काला अफ्रीका को करता है, हरा ऑस्ट्रेलिया ओशियाना को करता है, जबकि लाल रंग अमेरिका को प्रतिबंधित करता है, प्रतिबंबित करता है। नेक्स्ट हमारा है, कंट्री टू सेंड ए मून, सेंड ए मैन टू मून, प्रथम देश जिसने मनुष्य को चंद्रमा पर भेजा, ये है यूएसए। यूएसए 20 जुलाई 1969 को भेजा, यूएसए। ये है यूएसए के बारे में, उस समय हम आपको बता दिए थे। नेक्स्ट हमारा है, यूरोपियन टू फ्लाई एन एरोप्लेन, प्रथम यूरोपियन जो एरोप्लेन को उड़ाया, राइट ब्रदर्स, राइट ब्रदर्स।
कब उड़ा है? दिसंबर 17, 1903 में, दिसंबर 17, 1903 में। तो ये राइट ब्रदर्स यही प्रथम एरोप्लेन विश्व का था। तो राइट ब्रदर का नाम क्या था? तो ऑर्विल राइट एंड विल्बुर राइट, ऑर्विल राइट एंड विल्बुर राइट। तो यहाँ पर हम आपको करवा दिए हैं, ये हमारा डेमो था, डेमो के रूप में हम आप इसको देख सकते हैं। बाकी आपको कोर्स यदि लेना है, ये सारा बहुत सा था तो कोर्स लेना है, तो आप इस नंबर पर मैसेज कीजिए, वहाँ पे आपको अच्छे से क्लास होगी। तो आज के लिए ये नंबर है 91 10 92 96 41, ये व्हाट्सएप नंबर है। पेमेंट आपको 7370840504 पे करना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।